हाल ही में आपने सुना होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देश विदेश की सैर कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको विस्तार के में बताऊंगा। दरअसल वो रुपए कार्ड के लिए कर रहे हैं। प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन, मैं तो अधूरा हूँ आप सबके बिन। जी हाँ दोस्तों, रुपे कार्ड, रुपे दरअसल एक कार्ड है। जिस तरह हमारा मास्टर कार्ड वीसा कार्ड है, उस तरह रुपे कार्ड अपने देश का है। ये दरअसल 20 मार्च 2012 में लॉन्च किया गया था, जबकि उसे विदेशों में लॉन्च करने के लिए काफी उसकी तैयारी चल रही थी। जिस तरह आप देखते हैं कि आप कहीं भी जाएंगे अपना मास्टर कार्ड यूज करेंगे, या वीजा कार्ड है, और या तो फिर डाइनिंग कार्ड है, और डाइनर्स क्लब जिसे कहते हैं, और आपके लिए है अमेरिकन एक्सप्रेस है, इस तरह के कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ये सब जो है अमेरिका देश के हैं, पर रुपे कार्ड अपने देश का है, मेड इन इंडिया। दरअसल हमारे प्रधानमंत्री भूटान के शहर किए थे, भूटान देश गए थे, तो वहां पे उन्होंने रुपे कार्ड लॉन्च किया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बैगरिंग गए और सिंगापुर में भी उन्होंने लॉन्च किया है, यूएई में गए वहां पे भी उन्होंने लॉन्च किया है, दरअसल अभी मिडिल ईस्ट में लॉन्च किया है, जबकि ये तीसरा देश है जिसने कार्ड ऐसा कार्ड लॉन्च किया है। दरअसल क्या है कि जिस तरह हम विदेशी कंपनियां जो है मास्टर और वीसा कार्ड जो अपने देश में आके अपने कार्ड का मार्केटिंग करके फिर उसका लोगों पे हर बैंकों में इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है, उसी तरह रुपए अपने देश का कार्ड है, अपने देश का कहने लायक कार्ड है, जो सिर्फ अपने देश के लोग ही नहीं विदेश के लोग भी इस्तेमाल कर सके रुपए कार्ड खरीद के, इसलिए ये रुपए कार्ड लॉन्च किया गया है। दरअसल रुपए कार्ड लॉन्च करने के एक और कारण है, रशिया नाम का देश है, आपने तो सुना ही होगा, रशिया देश ने क्रीमिया नाम के जगह को हड़प कर लिया था यूक्रेन देश में, तब से अमेरिका के जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे 2014 में, उन्होंने बराक ओबामा ने उन्हें मास्टर और वीजा कार्ड को मजबूरन कहा गया कि आपको किसी भी तरह आपका जो है काम रोकना पड़ेगा, अगर मास्टर और वीजा का कार्ड प्रोसेस रुक जाता है तो वहां के लोगों को पैसा निकालना मुश्किल हो जाता है, ताकि रशिया के लोग प्रॉब्लम में आ जाए, रशिया की गवर्नमेंट भी काफी प्रॉब्लम में आ जाएगी जब उनका एटीएम काम नहीं करेगा। दरअसल ये एटीएम इसके लिए ब्लॉक किया गया ताकि रशिया पे दबाव बनाए सके, तो इसे देखते ही काफी देशों ने सीख ली कि हमें खुद का कार्ड लॉन्च करना चाहिए, ताकि कोई और देश का बंदा हमारे देश में आके अपना कार्ड लॉन्च करके हमारे जितने भी बैंक है उन्हें काबू में ना ले ले, इसलिए इसे इस बात को ध्यान में रखते हुए रुपे कार्ड लॉन्च किया गया। जी हाँ दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था जब हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पापा मम्मी, यहाँ तक कि हम भी बचपन में जाके बैंक में से चालान भरकर पैसे निकाला करते थे, फिर उसके बाद आया एटीएम मशीन, फिर बैंक ने एटीएम मशीन खड़ा किया ताकि लोग 24 घंटे कभी भी जाके पैसा निकाल सके। उस वक्त आया था अमेरिका का बैंक मास्टर कार्ड वीजा कार्ड, तो उसके द्वारा हम पैसा निकाल सकते हैं, ये ऐसा जमाना बदला। फिर अभी आया हमारा रुपे कार्ड, जैसा ये हमारे देश का कार्ड है, अपने देश का है, हमें गर्व होना चाहिए कि हमने कुछ नया किया, कि दुनिया को दिखाया कि हम भी, रुपे कार्ड है हमारे देश का है, आप भी इस्तेमाल कीजिए। सिंगापुर में जाएंगे तो वहां भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूए जाएंगे वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर भूटान जाते हैं तो वहां भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल ये मिडिल क्लास लोगों को दिया गया है, जो लोग ज्यादा से ज्यादा विदेश जाते हैं उनको रुपे कार्ड को देना अभी के लिए रोक के रखे हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह इंटरनेशनल हुआ नहीं है, और इसे इंटरनेशनल लेवल में करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दरअसल हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमें बड़ा गर्व होना चाहिए कि मास्टर और वीजा कार्ड की तरह इंडिया का एक रुपे कार्ड पूरी दुनिया के लोग उसे इस्तेमाल करेंगे। दरअसल इसमें क्या होता है कि मास्टर वीजा कार्ड जब हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से कुछ प्रतिशत मास्टर और वीजा कार्ड को जाता है, इसके कारण वो लाभ कमाते हैं, इसलिए रुपे कार्ड में हमारे प्रधानमंत्री ने इस तरह से सेट किया है कि मास्टर कार्ड और वीसा कार्ड से कम दाम में 10% से 10% जितना पैसा वो रुपे कार्ड वाले लेंगे। तो कंपेयर करने में वीजा, मास्टर और अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब कार्ड इन सब के साथ तुलना में ये काफी कम पैसा चार्ज करता है, इसके कारण हमारे देश को भी एक आमदनी होती है और देश की तरक्की होती है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए एक रुपए कार्ड बनाया गया है। यही मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो में। आपका मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर मेरे कमेंट्स में बताइएगा। मेरा चैनल सत्यार भाई रिव्यू को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आप कहना चाहते हैं जरूर कहिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।